morning everyone. क्या हुआ, की वर्क नहीं कर रहे क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा 247। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हाँ जी, यूपीएससी का टारगेट किया है आप लोगों ने, तो इसके लिए नींद और भूलना होगा, आराम भूलना होगा, भूख मत भूलिए, भूख को याद रखिए, क्योंकि स्वस्थ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, रहता है। तो भूख याद रखिए, लेकिन भूख भी जरूरत से ज्यादा नहीं। तो जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों को चिंगारी देते हैं। तो आप अपने सपनों को चिंगारी देते रहिए, ताकि आपके सपने आपको जगाते रहें। ठीक, तो देखिए, ये अड्डा 247 का ऐप है, जहां पर आपको सब कुछ मिलता है, आपको यूपीएससी से रिलेटेड। और अगर आप लोगों का टारगेट पीसीएस वगैरह है, तो यहाँ पर इनका ये भी है कि आपका हर स्टेट का अड्डा है यहाँ पर। ठीक, तो जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का देख पा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का मेंस लिख रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन की एनालिसिस करने वाले हैं। और ये मैं आप लोगों का जो है 2011 से 2022 तक का, ये पूरा आप ये 10 सालों का जो है 10-11 सालों का मैं आप लोगों का ये करूंगी। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और पैटर्न क्या बदला है, और बदले हुए पैटर्न पर कैसे तैयारी करनी है, ये आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पीवाईक्यू कई बार लगा लिया होगा, बहुत सारे लोगों को हो सकता है आंसर भी पता हो, लेकिन एक साथ जब आप एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अब पूछे जा रहे हैं, और हमको किस तरह से अपनी तैयारी रखनी है। पीवाईक्यू का यही मतलब होता है। और फिर मेंस के क्वेश्चंस को भी हम लोग लगाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, या मिडाइवल हिस्ट्री से, या मॉडर्न हिस्ट्री से मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है। तो आज की क्लास से आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस, हम दोनों के ही क्वेश्चंस के एनालिसिस करने जा रहे हैं। किसका? तो एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री आज आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये 5 सितंबर से ये बैच लॉन्च हो रहा है। अभी तक आप लोगों ने मन बनाया या नहीं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर और बहुत अच्छा बैच है, ये इवनिंग में चलेगा। ये तीसरा अड्डा का, यूपीएससी अड्डा का ये तीसरा लाइव बैच है, और आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप अड्डा जैसे ही वो करेंगे। और मेरा जो कोड है वह है Y561, तो इस पर मन बनाइए। एकदम स्टार्टिंग डेट से क्लास लेने का अलग ही जो है एक आनंद होता है कि बैच लॉन्च हुआ और बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। राहुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तनुजा मवाई, आपने तो एकदम छाप दिया बिल्कुल। तो आप समझ लो कि जितने आप लोग आपने वो भेजे हैं ना, उतने ही ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, पर अब रुक जाइए आप। अच्छा, तनुजा मवाई, आशीष पांडे, अच्छा आशीष पांडे इंस्पायर हुए हैं तनुजा मवाई से, ओके। चलिए, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। सेशन को शेयर किया कि नहीं आप लोगों ने? बहुत कम स्टूडेंट हैं, बहुत वैसा लगता है, बुझा सा लगता है मुझे इतने कम स्टूडेंट्स के साथ। हाँ जी, तो लाइव जब तक अगर 100 स्टूडेंट ना हो तो फिर क्या, फिर से वो माहौल ही नहीं बनता है। हाँ जी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मैं आप लोगों को एक साथ पूरी हिस्ट्री करा सकती थी, लेकिन वो फुर्सत से नहीं होता।
इसीलिए मैंने ये सोचा कि अभी फिलहाल मैं एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों का ले रही हूँ। बहुत कम व्यूज है उपेंद्र सिंह पर, पता नहीं क्यों बच्चे समझते नहीं है, जबकि मैंने आप लोगों को इस बार 2022 का क्वेश्चन देखकर जो है मैंने आपको समझाया था, मैंने समझाया था कि भाई देखो ये क्वेश्चंस मैंने अपने जितने मेरे पुराने स्टूडेंट है उस ग्रुप में भी मैंने भेजा था कि जब मैं सोर्स पढ़ा रही थी तो कोई भी नहीं पढ़ रहा था और उस वहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह जैसे आजकल आप लोग लेते नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं। तो आप देखिए 2011 से मैंने स्टार्ट किया है, ये 2011 का एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब जैसे आप लोगों को अभी 2022 में 2021 में मिताक्षरा वाला एकदम अनएक्सपेक्टेड था, और 2022 में जो दास मुक्ति वाली जो बात अर्थशास्त्र पर पूछी गई है वो आप लोगों के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। उसी तरह से 2011 का ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें आप लोगों को पूछा गया था कि धर्म तथा रीत, धर्म एंड रीत, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ये एक सेंट्रल वैदिक सिविलाइजेशन का एक सेंट्रल आइडिया था ये, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इन कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो धर्म और रीत पर आप देखिए ये दो स्टेटमेंट दिया गया था, मतलब इस दोनों स्टेटमेंट में बताया गया है कि धर्म क्या है और रीत क्या है। रोज आशीष पांडे एक ही सवाल करते हैं, अगर वहां ले रहे होते तो यहाँ क्यों होते, ये तो अंडरस्टूड है, आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं। डेली आप आते हैं और सबसे पहले एक सवाल करते हैं आप। चलिए खैर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। बेसिकली इसमें पहले में धर्म को एक्सप्लेन किया गया है और दूसरे में रित को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया हेलीकॉप्टर क्वेश्चन किसको कहते हैं, जो एकदम से उड़ कर आता है ना, तो ये वैसा था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिलेबस से बाहर था, ये जब हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पर जब वैदिक फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीज आता है। तो धर्म, जैसा कि हमेशा मैं बताती हूँ कि धर्म क्या है, तो आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है, तो ये पहला सही है। और रित किसको कहा गया, माना गया कि रित जो है ये एक ऐसा नैतिक विधान है, एक ऐसा मोरल लॉ है जिसके अकॉर्डिंग पूरी सृष्टि चलती है, और इस सृष्टि को चलाता कौन है, तो इस सृष्टि को चलाता है एक पावर है, एक ब्रह्म है जो इस सृष्टि को चलाता है। तो रित वो सभी सृष्टि को चलाने वाला नैतिक विधान है। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, जो बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा जरूर होता है, जब बड़ा होता है तो वो बूढ़ा जरूर होता है। ये एक सिर्फ व्यक्ति के साथ ही नहीं है, ये एक पेड़ के साथ भी ये है, एक जानवर के साथ भी है, जितने भी लिविंग बींग है दुनिया में उन सब के साथ होता है। जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है ना, एक पेड़ भी बूढ़ा होता है, हालांकि पेड़ की लाइफ हम लोगों से ज्यादा होती है, तो लेकिन सबके साथ सभी लिविंग बींग के साथ है। निश्चित समय पर दिन का होना, रात होना, बारिश होना, है ना, ये सब कुछ क्या है, रित है, ये रित मोरल लॉ है जिसके थ्रू ये चलता है। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन 2011 का जो पूछा था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर पूछा था। ये जो 2011 में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, ये समझ लो कि कॉन्टिन्यूस गैप करके एक साल गैप करके कई साल तक, मतलब ये टिल 2018-19 तक ये पूछा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो दो स्टेटमेंट दिया गया था सिंधु घाटी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और आपको बताना था कि दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है। तो यहां पर कौन सा सही है, तो आप देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है कि लौकिक सभ्यता थी, आप अपना आंसर देते रहिए, ये इट वॉज प्राइमरीली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट बट दैट वॉज नॉट डोमिनेंट। तो ये क्या है कि ये मतलब एक लौकिक, यानी ये लौकिक का जब भी ये वर्ड आता है तो ये समझ लो कि ये कहता है, बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल सही है। तो ये सी ही, तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जिन लोगों ने समझा था, उन्होंने ये देखा था, पूजा पाठ करते थे, रिचुअल्स करते थे, लेकिन जो वहां पर मेसोपोटामिया की तरह कोई पुजारी वहां के एक शासन को नहीं चलाता था, डोमिनेट नहीं करता था, ऐसा कोई हमें वहां से स्ट्रक्चर नहीं मिला। और देखा गया कि लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में ज्यादा बिजी थे, लोग अपने काम में ज्यादा बिजी थे, तो इसीलिए ये पहला सही माना गया। और कॉटन बनाया ही जाता था, तो इसीलिए जो है कहा गया कि इसमें जो है क्या दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये 2011 का ही था, तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि ये दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा हमेशा रिलेशन रहा, जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशियन, तो उनके साथ हमारा ट्रेड रिलेशन पहले बना और फिर ट्रेड रिलेशन ने लीड किया कल्चरल कॉन्टैक्ट को बढ़ाया, यानी वहां पर कल्चरल इंपैक्ट गया इंडिया का। तो इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी की इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है। Which of the following may be most reliable explanation of this outstanding early maritime history of the Bay of Bengal? क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, है ना, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से नीचे उतरते हुए, ठीक है, नीचे उतरते हुए, और आप देख पा रहे कि साउथ एशियन की कंट्रीज किधर है, तो इंडियन ओसी में, और ये पाल शासकों का भी था, सबका ही था। तो इसमें आप लोगों से पूछा गया था, हाँ जी, तो पहला है कि प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में मतलब शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बढ़िया था, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जो है दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, है ना, ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं, आपने देखा ना भाई हम लोगों को अंकोरवाट में क्या मिला है, तो अंकोरवाट में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विष्णु है ना, उसमें शिव है, विष्णु है अंकोरवाट टेम्पल में। और इसी तरह से हम लोगों को कंबोडिया में बुद्ध मतलब सबसे बड़ा बौद्ध हम लोगों को मंदिर मिला है। तो ये सब कैसे गया, ये सब भारत का ही, ये तो ओरिजिन कहाँ है, हिंदुइज्म का ओरिजिन इंडिया, बुद्धिज्म का ओरिजिन प्लेस इंडिया, तो ये सब गया कैसे, तो इन सभी ट्रेडर्स के साथ, इन ट्रेडर्स के साथ ये साथ सभी भी गए, क्योंकि अपने धर्म का प्रचार करना सबको लगता है कि मेरा कर्तव्य है। कुछ लोग तो इसलिए भी गए, ट्रेड के लिए गए, कुछ लोग ट्रेड के लिए गए, वही बस गए। आप लोगों ने सुना है ना मलेशिया में इंडोनेशिया में भोजपुरी बोलने वाले बहुत लोग हैं, इंडोनेशिया का जो रामायण है, जो वहां पर रामायण मतलब उसको क्या कहते हैं, जो दशहरे पर होता है रामलीला, तो इंडोनेशिया के कलाकार जितनी बढ़िया रामलीला करते हैं, उतनी बढ़िया रामलीला भारत के लोग भी नहीं करते। तो ये सब कैसे हुआ, तो बहुत सारे लोग जो ट्रेड के लिए गए वो फिर उनको लगा यही ठीक है, क्या जरूरत है वापस जाने की, बस गए वहीं पर। तो इस तरह से वहां पर इंडियन कल्चर का बहुत ज्यादा वहां पर प्रसार देखा गया, ठीक है। तो इसमें डी है, अच्छा ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था,
तो आप आर्य शर्मा का जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आर्य शर्मा का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पा रही हूं, पर लास्ट चैप्टर तो उनका ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का देन। लेकिन उसके पहले एक चैप्टर उनका है कि इंडिया, एंशियंट इंडिया का रिलेशन कहां कहां से था। याद आ रहा है आप लोगों को एंशियंट इंडिया का रिलेशन कहां कहां से था? तो उसमें उसमें उन्होंने इस पर बहुत ही डिटेल में लिखा है, बहुत ही डिटेल में आर्य शर्मा की किताब में आपको ये मिलेगा। और अगर सतीश चंद्र का अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो सतीश चंद्र के भी फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को ये चीज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कोई ऐसा उड़न खटोला नहीं था, मतलब उड़न खटोला हेलीकॉप्टर क्वेश्चन मैं उसको कहती हूँ जो कॉमन किताबों में नहीं होता, जो कॉमन बुक में नहीं होता, और वो लेकिन हमारे सिलेबस का ही पार्ट होता है, किसी न किसी कोई अलग राइटर ने उसको मेंशन किया हुआ होता है। ठीक, तो इसलिए जो है ये आप लोगों को खूब, जिन्होंने भी आर्य शर्मा का वो चैप्टर पढ़ा था उन्होंने खूब आराम से इसका आंसर दिया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 में तीन ही क्वेश्चन है ना, 2012 का ये क्वेश्चन है। इसमें जो है ये देखिए दो बार पूछ लिया गया है, ये 2012 वाला जो क्वेश्चन है आपको 2020 में भी पूछ लिया गया, श्रेणी गिल्ड। ठीक है, आपको ऐसे में कई क्वेश्चन दिखाऊंगी, ऐसे कई क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो आप लोगों को लगेगा कि अच्छा ये तो फिर से पूछ लिया गया। तो इसमें जो ये श्रेणी जो है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, श्रेणी जो ऑर्गेनाइजेशन रहा इनको, जिसको हम लोग इंग्लिश में गिल्ड भी कहते हैं, उनके बारे में देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीन स्टेटमेंट दिया है। 2020 में सिर्फ पूछ लिया गया था कि गिल्ड क्या होता है ना, 2020 में सिर्फ ये पूछा गया था ना आपसे कि गिल्ड क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। सेशन शेयर नहीं किया आप लोगों ने, इतने कम स्टूडेंट। हाँ जी, तो देखा इसमें पूछ लिया गया है। देखो आपको पता है ये श्रेणियां कब बननी शुरू हो गई थी, इसमें आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग, आंसर इसमें देखो तीनों ही सही है। नहीं, इसमें श्रेणियां करती थी, पंजीकृत होती थी, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, ये पहला गलत है, इसमें सी होगा। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ और प्रशासनिक स्तर पर राजा इनका प्रमुख होता था, ये गलत है। ये ऑटोनॉमस होती थी, ये स्वायत्त होती थी, राजा इसका प्रमुख नहीं होता था, श्रेणी का एक हेड होता था जिसको शुरू में महाजन पदों के टाइम से ही श्रेणियां बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, श्रेणियां बननी शुरू हो गई थी महाजन पदों के टाइम से ही, और उस समय इसके हेड उज्जैथक, जो बौद्ध टेक्स्ट है वो कहते हैं कि श्रेणी, इस तरह की जो श्रेणियां बनती थी उनके जो है हेड को जेथक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जेथक। बाद में इनको क्या कहा गया? तो बाद में इनको सेट्टी कहा गया। जब हम लोग लेटे मौर्य पीरियड में आते, सेट्टी में बड़ी ही रहेगा। ठीक है, तो बाद में इनको क्या कहा गया? सेट्टी या शेट्टी, शिल्पा शेट्टी वाला, तो ये फिर शेट्टी कहे गए। और फिर एक और इनके लिए वर्ड आता है हम लोगों को, श्रेणिक। श्रेणिक भी इनको कहा गया। लेकिन तो ये जो श्रेणी थी, ये श्रेणी बिल्कुल ऑटोनॉमस होती थी, एकदम ये अपना खुद ही मिलकर ये बनाती थी। इनका जो हेड होता था वही इनके डिसीजंस में लिया करता था, और बाकी अपने वेजेज, वर्किंग रूल्स, स्टैंडर्ड प्राइसेज, ये सब कुछ ये खुद अपना निश्चित करती थी। और ये जो है ये एक न्यायिक अधिकार भी इनका होता था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बाद में आप लोगों से। ठीक है, ये क्वेश्चन बात तो ये 2020 या 19 में, मतलब आप देखना ये क्वेश्चन आपसे दो तीन बार श्रेणियों पर पूछा गया। तो सी इसका आंसर होगा, सेकेंड और थर्ड सही है इसमें,
फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब से हमें भारत में इस तरह की श्रेणी व्यवस्था, भारत में हमें इस तरह की गिल्ड्स कब से मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो आप कहेंगे महाजन पदों के समय से ही। जैसा कि आप जानते हैं कि महाजन पदों, महाजन पद जो फॉर्म हुए, बड़े बड़े महाजन पद जो बने, तो उनके हम लोग उसके पीछे कारण पढ़ते हैं कि भाई क्या रीजन्स थे। तो उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बड़ा था, आयरन की डिस्कवरी ने प्रोडक्शन बढ़ाया था, और प्रोडक्शन जब बढ़ा था, जब भी उत्पादन बढ़ता है तो फिर ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है। तो इस समय व्यापार भी बढ़ा, व्यापार बढ़ा तो आहत इनके व्यापार को बढ़ाने में आहत सिक्कों का बड़ा रोल रहा। पंचमार्क क्वाइंस, जैसे एक पहले क्या था कि सिर्फ बार्टर सिस्टम था, गुड्स एक्सचेंज होते थे, वस्तु विनिमय होता था, लेकिन जब सिक्के बन गए तो एक्सचेंज और इजी हो गया, आसान हो गया, विनिमय और आसान हो गया। तो इस समय इससे और व्यापार बढ़ा, और जब व्यापार बढ़ा तो इस तरह की श्रेणियां भी बनने लग गई। तो एक जैसे व्यवसाय करने वाले लोगों ने अपना अपना गिल्ड बनाना, अपना अपना एक संगठन बनाना शुरू किया। तो लोहारों का अलग, बढ़ईयों का अलग, काटे ये तेलियों का अलग, जो कांच का काम करते हैं उनका अलग, बहुत सारे इस तरह के संगठन जो है बनने लगे, और ऐसी संगठन को क्या कहा गया, गिल्ड। ठीक, 2012 का दूसरा क्वेश्चन, ऐसे आपका पांचवा, तो ये बहुत इजी पूछा गया था आप लोगों से कि पूर्व वैदिक मतलब ऋग वैदिक, तो द रिलीजन ऑफ द प्री वैदिक आर्यंस वॉज मेनली क्या था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी, जो कि कई बार एग्जामिनर सोचता है कि बच्चों को खुश कर दो, उन बच्चों को खुश कर दो जिन्होंने 30% 40% तैयारी करके भाग्य आजमाने के लिए प्रीलिम्स दिया है। तो वो खुश होते हैं, वो खुश होते हैं ये सोचकर कि भाई मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी मैंने 40 क्वेश्चन सही कर दिया। ठीक है, तो ये उनके लिए ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो जैसा कि आप लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये सी है, भाई नेचर वर्शिप करते थे और यज्ञ करते थे। ठीक, 2012 का ये तीसरा क्वेश्चन, प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में, विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस मेड इन एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इस एक क्वेश्चन में फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक के साइंटिफिक डेवलपमेंट को पूछ लिया गया है। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर ठीक है, देखिए पहले में फर्स्ट सेंचुरी है, फोर्थ स्टेटमेंट में 7th सेंचुरी है। अब फर्स्ट टू 7th सेंचुरी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ उसमें कितना हुआ, 700 सालों में कितना हुआ, तो इस पर ये पूरा 4 स्टेटमेंट एक क्वेश्चन थी आपके नॉलेज की। तो इसमें पूछा गया है कि भाई कौन कौन से इसमें जो है सही है, राइट पूछा गया है, राइट। तो क्या आंसर है आप लोगों का, सी कह रहे हैं आप लोग, है ना। तो इसमें ऐसा था कि सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था इंटरनल ऑर्गन्स का, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा किडनी निकाल के उनकी किडनी में लगा दिया गया उनके शरीर में। इसके अलावा ये सारे ही जो है काम होते थे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ये सारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक हम लोग 2012 पे ही चल रहे हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूछा गया है। यहां से जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में स्टार्ट हुआ ये और बढ़ता चला गया था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसमें पूछा गया था कि दोनों में क्या कॉमन है।
ठीक है, दोनों में कॉमनली समान रूप से क्या प्रेजेंट रहा दोनों ही रिलीजन में? जिन लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अच्छी तरह से समझा होगा, है ना? तो देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो राइज होता है, वो राइज ही होता है वैदिक सिस्टम के अगेंस्ट, है ना? वैदिक सिस्टम के अगेंस्ट ही राइज होता है। भाई संख्या कम हो रही है बढ़ने की जगह। अब इसमें वेदों को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने वेदों को नहीं कहा कि वेद अपौरुषेय है, तो ये सही है। दोनों ने ही रिचुअल्स को नहीं माना, दोनों ने ही कर्मकांड को नहीं माना, नहीं कहा कि कोई भी फ्रूटफुलनेस होता है रिचुअल्स के, तो ये भी सही है। लेकिन क्या दोनों में ही अवॉइडेंस ऑफ ऑस्टेरिटी एंड एक्सेसिव प्रैक्टिस का था? तो नहीं। तप और भोग की अति का परिहार, मतलब कि अवॉइडेंस ऑफ ऑस्टेरिसिटी एंड एक्सेसिव एंजॉयमेंट, तो ये जो है यहां पर जब बुद्धिज्म की बात करें तो वो किसी चीज की अति की बात नहीं करता। बुद्धिज्म मिडिल पाथ की बात करता है, मध्यम मार्ग की बात करता है। तो ये जैनिज्म में तो था लेकिन ये बुद्धिज्म में नहीं था, तो इसलिए इसमें ये था। लेकिन ये भी देखिए, अब आप लोगों को याद हो गया होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है। 2013 का ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 2012 में जो पूछा गया बुद्धिज्म और जैनिज्म, वो दिन पर दिन फिर बढ़ने लग गया। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बहुत इजी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है? लेकिन देखिए आज की डेट में आप सब लोगों को चैत्य और बिहार बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन उस समय अगर मैं बात करूं 2013 की, यूपीएससी हमेशा उस सेक्शन को टच करता है जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। तो 2013 की अगर बात करें तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पर बहुत ज्यादा ना कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पढ़ाते थे और ना ही टीचर्स बहुत बताते थे, बहुत ज्यादा बातें नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री और बुद्ध की टीचिंग पर बात कर ली जाती थी। ये क्वेश्चन जब आना शुरू हुआ है उसके बाद से समझ लो कि बुद्ध और महावीर पर बहुत ज्यादा बात होने लगी। इसीलिए उस समय पूछ लिया गया था कि बिहार और चैत्य क्या है, जबकि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया था, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, निर्वाण पूछ लिया गया है, निर्वाण कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण है ये बुद्धिज्म। ये लगातार ये दूसरा क्वेश्चन 13 में बुद्धिज्म से ये दूसरा क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण पूछ लिया गया, इसलिए पूछा गया है क्यों? क्योंकि उस समय, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग इसी समय तैयारी में आए थे, और हम लोगों को बहुत ज्यादा बुद्धिज्म पर बात नहीं की जाती थी, बात की भी जाती थी, ऐसा नहीं कि सिलेबस में कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहे, बात की भी जाती थी। तो बुद्ध की जो टीचिंग है उस पर ज्यादा बात की जाती थी और निर्वाण बताया गया था, ऐसी बात नहीं है। ये एक आसान क्वेश्चन था लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंफेसिस नहीं रहता था। पर निर्वाण सबको ही पता था, पर निर्वाण पे लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, निर्वाण को लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेना, है ना, पूरा जो है आप अपना एकदम से जो है अपने को खत्म कर लेना, अपनी नॉन एग्जिस्टेंस को इंश्योर करना, मोक्ष मतलब परमानंद, मतलब कई तरह का। तो इसलिए बहुत ही कॉमन इसमें दिया गया था, मतलब निर्वाण एग्जैक्टली क्या होता है ये बहुत क्लियर नहीं था। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि बुद्ध की डेथ को महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो मतलब
कि भाई मोक्ष की प्राप्ति, तो इसमें था कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, क्वेंचिंग ऑफ क्रैविंग। तो क्रैविंग, क्रैविंग क्या था, जो हमारी इच्छाओं जो डिजायर्स है वही दुख का कारण बताया था बुद्ध ने, और कहा कि जिस दिन हम इस पर विजय पा लेते हैं अपने अनलिमिटेड डिजायर्स पर, क्रैविंग पर, तो उसी दिन हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन था, ये निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसमें। और देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पर 2011 में पूछा गया था, 2012 में नहीं पूछा गया, और फिर 2013 में पूछ लिया गया है, मतलब ये टिल 2019 इंडस वैली सिविलाइजेशन एक साल गैप करके पूछा गया है, जो अब नहीं पूछा जा रहा है, 2019 के बाद नहीं पूछा जा रहा है। तो ये फिर से पूछ लिया गया है यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक उसको मिक्स कर दिया गया, ठीक है, वैदिक कल्चर्स को मिक्स कर दिया गया है इसमें। तो इसमें जो है पूछा गया है, करेक्ट, तो पहला तो विशाल महल और मंदिर हमें मिला ही नहीं है, ना हमें पैलेस मिला है, ना टेम्पल मिला है। हाँ, मदर गॉडेस की भी पूजा करते थे और देवता की भी पूजा करते थे, और रथ का यूज कौन करता था, तो रथ का यूज करते थे वैदिक पीपल, तो इसलिए इसमें सिर्फ दूसरा सही था। और ये देखिए फिर जैनिज्म पर क्वेश्चन है, जैन धर्म पर भी पूछ लिया गया है, बताइए जैन फिलॉसफी कितना क्लियर है आप लोगों का। क्योंकि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, और हम लोग जैनिज्म भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसमें तपश्चर्या की बात की थी जैनिज्म ने, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन 2011 में ही पूछ लिया गया है, 2012 में ही, है ना। तो जैनिज्म तपश्चर्या की बात करता है, ठीक है, ये और ये कहता है कि पत्थर में भी आत्मा होती है, तो दूसरा भी सही, पहला भी सही। और वो कहते हैं कि हम अपने, आप लोग आश्रय और समोर याद करो कि हम अपने कर्म से क्या कर सकते हैं, हम अपने कर्म से अपने अकाउंट को जीरो जीरो कर सकते हैं। तो कर्म क्या है, ये कर्म जो है, कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म क्या करता है कि वो, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था ना, मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि जैनिज्म में माना गया कि जैसे ये मिरर है, और इस मिरर पर जब डस्ट आ जाएगा तो आपको अपना चेहरा, आपको अपना फेस इसमें क्लियर नहीं दिखेगा। जब इस पर पूरा डस्ट ऐसे भर जाएगा तो आपको अपना फेस नहीं दिखेगा। तो ये डस्ट क्या है, कर्म, ये कर्म है जो हमारी आत्मा को घेर लेती है, जिसको आश्रय कहा गया, जिसको क्या कहा गया, आश्रय। और जिस दिन हम अपने कर्म को, टुवर्ड्स कर्म के प्रवाह को रोक देंगे, जो आत्मा की तरफ जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी आत्मा बच जाएगी। तो कर्म आत्मा का विनाशक है, और कर्म का अंत जरूर करना चाहिए। ये बहुत गहरी बात थी उस समय, अब तो आप इतनी बात की आईक्यू लोग आपसे डिस्कस करते हैं कि आपको रट गया होगा इसका आंसर, लेकिन ये उस समय जिन्होंने जैनिज्म को समझा नहीं था, जैन फिलोसफी को वो नहीं आंसर कर पाए थे। और ये देखिए हमारे यहां पर शक संबत, है ना, शक संबत पर इंडियन कैलेंडर बेस्ड है, तो ये पूछ लिया गया था आपसे। और आपको बताऊं, यहां पर पूछने से पहले यूपीपीसीएस पूछ चुका था इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि ये 2014 का क्वेश्चन था, तो आप लोगों को इसमें पूछ दिया गया था, इसमें आप लोगों को पूछ दिया गया था कि भाई उस दिन का डेट, क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पहचान का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर बताया, किस एक के अनुसार है,
किस एक के अनुसार, क्वेश्चन आधा अधूरा है क्या? उसमें डेट दिया हुआ था, ठीक है, उसमें क्या दिया गया था, डेट दिया गया था। एक्चुअली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एक डेट था और उसको कन्वर्ट करना था शब्द संवर्ग में, है ना। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन का था। तो इसमें आप लोगों का क्या होता है कि जब भी हमको शब्द संवर्ग निकालना होता है, तो शब्द संवर्ग कब लॉन्च हुआ था, तो 78 AD में, है ना, 78 AD में लॉन्च होता है इसमें जो है। तो इसीलिए उसको जब हम क्या करते हैं कि शक संबंध और विक्रम संबंध, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लोगों को आंसर रटा हुआ है, इसमें आंसर ए है इसलिए आप लोग ए कह रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो उसमें कोई डेट दिया गया था और उस डेट को कन्वर्ट करना था शक संबंध में, उसको निकालना था, तो इसमें ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर आपका करूंगी, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों का नेशनल एम्बलम जो है हमारा, तो नेशनल एम्बलम पर जो हमारा लिखा गया है सत्यमेव जयते, ये आप लोगों से पूछा गया था कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और आपको पता है यूपीएससी के पूछने से पहले आप लोगों को ये पीसीएस ने कई बार पूछा हुआ था। तो ये आपका मुंडकोपनिषद है ना, ये आसान क्वेश्चन था। अब देखिए 2015 का क्वेश्चन, आप क्या देख रहे हैं कि 2012 से, अरे कुछ लोग बी भी कह रहे, 13 का बी कह रहे हैं आप लोग। छांदोग्य उपनिषद कहाँ है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद है ना। अच्छा, अभी तक आप लोगों को कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, हाँ जी। तो इस फिर बुद्ध से लगातार क्वेश्चन लगातार है ना, तो फिर पूछा गया है कि बुद्ध का इनमें से किन किन स्टेट से बुद्ध का रिलेशन था, ये पूछा गया था आप लोगों से। तो क्या बुद्ध अवंती गए थे, तो नहीं, ना ही बुद्ध गंधार गए थे। तो बुद्ध का जो प्रचार क्षेत्र रहा वो पूर्वांचल था, पूर्वांचल में यूपी एंड बिहार। तो इसलिए इसमें कौशल और मगध है ना, तो ये जिन्होंने ध्यान दिया था वही सही कर पाए थे, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंती फ्यूडलिज्म पूछ लिया गया था। वैसे तो देखो ये प्री मेडाइवल पीरियड का क्वेश्चन आया है, जैसे जब गुप्ता पीरियड से, गुप्त काल से ये शुरू हुआ था है ना, और हर्ष तक आते आते पीक पर था, और वही मतलब प्री मेडाइवल पीरियड हम लोग कहते हैं उसको। तो इसमें सामंती व्यवस्था इसको कहते हैं, इन शॉर्ट मतलब आसान उसमें देखें तो पूछा गया था कि फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडल सिस्टम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये पूछा गया था। तो फ्यूडलिज्म अगर आपने समझा है कि व्हाट इज फ्यूडलिज्म, तो आप उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को भी बता देंगे है ना, उसके जो है क्या उसके अनिवार्य तत्व होते हैं वो भी आप बता सकते थे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय स्थानीय राजनीतिक सत्ता, तो बिल्कुल सही है। मतलब इसमें क्या है कि ये फ्यूडलिज्म में क्या था, तो फ्यूडलिज्म में था कि भाई एक सेंट्रल पावर है जिसके अंडर में छोटे 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 प्रोविंस में लोग रूल कर रहे हैं है ना, और यहाँ पर जो है भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना की शुरुआत हुई। मतलब ऐसा फ्यूडल लॉर्ड कैसे बने, तो भाई उनको उस एरिया में उनको सैलरी के रूप में उनको लैंड दे दिया गया, और उस लैंड को ओन करने लग गए, और वो हेरिडेटरी हो गया, ठीक है,
तो इस तरह से एक मतलब इस एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। और सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध, यस यस, इसमें ए नहीं होगा, डी ही होगा, ठीक है। यहां पर सामंती विषम केंद्रीय सत्ता नहीं, ऐसा था कि सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता थी, तभी जो है इसमें ऐसा था कि ऐसा इसमें अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय तथा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। अच्छा हाँ, इसमें देखो, इस पर हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि भाई एक सेंट्रल पावर है और उसने क्या किया है कि उसने अपने अधीन बहुत सारे क्षेत्रीय शासकों को रखा है। क्षेत्रीय शासक कैसे होते थे कि या तो वो पहले से ही राजा हैं अपने क्षेत्र में और उनको अपने अंडर में सेंट्रल पावर ने कर लिया है, और या फिर उन्होंने किया क्या है कि एक पूरा का पूरा, जैसे उन्होंने पार्ट, जैसे इसको हम लोग समझते हैं, पहले पर आती हूं मैं, पहला गलत हो जाएगा यहां पर। ऐसा था कि भाई ये है दिल्ली, ठीक है, ये क्या है, ये दिल्ली है, ये एक सेंट्रल पावर है ना, ये सेंट्रल है। और इसने इसने क्या किया है कि जितने भी इसके आसपास के क्षेत्र हैं वो या तो पहले से राज्य थे जिसको उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिसने अपने पहले से कंट्रोल में कर लिया है, या फिर उसने क्या किया है कि ये पूरा क्षेत्र उसने जो है किसी से जीता था, वहां पर अपने एक अधिकारी को बैठा दिया है, और अब वहां पर जो उसका अधिकारी है, जो उसका वो मंत्री या अधिकारी जो है, अब वो यहाँ का पूरा लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, और वो एक आर्मी भी रख रहा है। तो जब तक अब ये टाइम टू टाइम ये क्या करता है, इसको मिलिट्री हेल्प करता है सेंट्रल सेंटर को, और साथ साथ यहां से जो वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसका एक पार्ट भी सेंटर को भेज रहा है। पर यहां पर होता ये था कि जब तक ये सेंटर पावरफुल है, जब तक यहाँ का जो किंग है वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, तब तक ये लोग टैक्स भेजते थे और मिलिट्री हेल्प भी करते थे। लेकिन जैसे ही ये वीक होता था, कमजोर होता था, ये अपने को कह देते थे कि मैं अब यहाँ का राजा हूं, मैं अब यहाँ का राजा हूं, ठीक है, और ये अपने को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देते थे। तो अब आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि इसमें सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल, तो ऐसा दुर्बल ये नहीं होते थे, तो इसमें पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। ये दुर्बल नहीं होते थे, ये वीक नहीं होते थे, इनके पास पावर होता था, इनके पास पावर होता था, लेकिन जब तक सेंटर स्ट्रांग रहता था ये उनके कंट्रोल में रहते थे। तो स्वामी दास का संबंध होता था इनके बीच जो है, जैसे विजयनगर में अमरम सिस्टम, आयंकर व्यवस्था जो थी, है ना, तो आप लोग इसी तरह से सबके पार्ट में ही, मतलब सल्तनत पीरियड में हम इक्तादारों की बात करें तो इक्तादार भी सेंटर के अंदर में रहते थे, लेकिन उनके पास पावर पूरा होता था और वो टाइम टू टाइम अपने को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर भी देते थे। तो इसमें दूसरा और तीसरा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें फ्यूडलिज्म को जिन्होंने समझा था वो आंसर कर पाए थे। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, जैसे कि मैं 1 मिनट के लिए हुई थी, तो क्वेश्चन को सही से रीड करना भी जरूरी होता है। 2016 यहां पर देखो, ये जो पूछा गया है यहां से, यही से टर्मिनोलॉजी शुरू हुआ 2016 से, जिसको हम कहते हैं शब्दावली, ऐतिहासिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, ये यहीं से शुरू होता है। और फिर आप देखोगे कि लगातार यहां मतलब टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आना शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? तो 2016 से। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है, जिसको जो आपने इतिहास पढ़ते हुए आपने ध्यान दिया है कि एरीपति क्या है, तान्यूल क्या है, घटिका क्या है, ठीक है। तो
यहां पर एनीपति सही है, मतलब ये गांव के जो है ये एक लैंड रेवेन्यू अलग से रख दिया जाता था कि जो गांव के जो रिजर्वोयर है जो पानी का जलाशय है उसके रख रखाव के लिए, ये साउथ से देखो लिया गया है साउथ से। और घाटी का जो है मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय तानियूर जो है एक बड़े गांव को कहा जाता था। बेसिकली ये सारा जो है चोल, मतलब जो चोल सिस्टम चोल एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया ये सारा वर्ड है, जो चोलों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई, जो उन्होंने एक ट्रेंड बनाया वो साउथ में बाद में फॉलो होता गया, इवन विजयनगर के शासकों ने भी सेम फॉलो किया। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट और थर्ड था। तो ये यहां से आप लोग क्या आपने सीखा, टर्मिनोलॉजी, शब्दावलियां, मतलब आप इसके पहले आपने नहीं देखा 2016 के पहले, 2011 से 15 ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पूछी गई थी, लेकिन अब पूछा जाएगा आप लोगों से। और ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसे कभी कभी खुश करने वाला जो क्वेश्चन रहता है, तो ये तो सबको पता होगा, तो ये खुश करने वाला क्वेश्चन है, ये 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 उनके लिए होता है जो अपने को खुश करते हैं कि देखो मैं ये इतना क्वेश्चन सही कराया। तो जेम्स प्रिंसिप देखिए, फिर अर्घटा पूछा गया है आपसे, शब्दावली टर्मिनोलॉजी, तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी था अर्घटा। आपको बताया 2014 में सिलेबस बदला था, मेंस का सिलेबस बदला था, प्रीलिम्स तो मान लो वैसे ही पूछा जा रहा था, लेकिन मेंस का सिलेबस ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जब अर्घटा पूछा गया था ना, तो किसी को नहीं पता था, अर्घटा किसी ने ध्यान नहीं दिया था अर्घटा पे, ठीक है। और ये जो अर्घटा क्या था, तो ये अर्घटा इसी को पर्शियन व्हील भी कहा गया, मतलब ये हमारे गांव का जो रहट होता है ना वही था अर्घटा। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एनसीईआरटी में भी था, उपेंद्र सिंह में भी था। तो ये जब अर्घटा पूछा गया था तो नहीं, हम लोगों को नहीं पता था अर्घटा उस समय, हमने नहीं ध्यान दिया था, और ये पहली बार था जब इस तरह की टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद से ही फोकस चेंज हुआ, और टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दिया जाने लग गया। ये 2016 था जिसने लोगों को बताया कि जितनी भी ऐतिहासिक शब्दावलियां हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है बुक। अभी फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बुक्स पर क्वेश्चन लगातार आपने देखा 2021 में 22 में पूछा गया है। हमने भी देखा है गंदा बच्चा जी, रहट तो मैंने भी देखा है, मैं नहाई भी हूं, जो उसमें बाल्टी छोटी छोटी लगी रहती थी ना, तो उसके पास जाते थे और उसके पानी को ऐसे अपने ऊपर डालते थे, चलता रहता था। हाँ जी, तो मालविका अग्निमित्र जो कालिदास, ये बुक किसकी लिखी हुई है, तो ये बुक लिखी हुई है कालिदास की, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो ये लव स्टोरी थी अग्निमित्र और मालविका की। तो ये जिन्होंने किताब पर ध्यान दिया था वो ही कर पाए थे। और 2017 में देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस और वैदिक दोनों को एक ही क्वेश्चन में मिला दिया गया, इंडस और वैदिक दोनों को। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देखिए, मैंने तो ब्लॉक कर दिया आपने में।
सीरियसली मतलब चलो तुम यहाँ दिख नहीं रहे हो पर फिर भी कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन देखिए। तो देखो ये अब आप लोगों के लिए बहुत आसान है क्योंकि इसके बाद हमने बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत टीचर्स ने पढ़ाया कि वैदिक कल्चर में और इंडस कल्चर में क्या डिफरेंट था, क्या डिफरेंस था दोनों का की लाइफ स्टाइल में क्या डिफरेंस था। तो बेसिकली दोनों के लाइफ स्टाइल पर ये डिफरेंस पूछा गया था। तो पहला सही था इसमें, है ना, पहला सही था, दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। दूसरा क्या है कि सिंधु के लोगों को मतलब लोहे का हमें अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा मतलब जितना हमें उन्हें ब्रॉन्ज एज कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, हमें कांसे की चीजें ज्यादा मिली हैं। तो इसलिए दूसरा सही नहीं माना गया इसमें। और जो है यहाँ पर ऋग्वैदिक लोग घोड़े पर ही चलते थे लेकिन सिंधु घाटी लोग इस पशु को जानते थे, इस बात का साक्ष्य नहीं मिलता। देखो यूपीएससी ने इसमें सी माना था, मैं एग्री नहीं करती हूँ, ठीक है, यूपीएससी ने सी माना था लेकिन सुरपोतड़ा से घोड़ों के हड्डियों का मिलना, लोथल और मोहनजोदड़ो से डेकोरेटेड हाथी का मिलना, सॉरी डेकोरेटेड घोड़ा घोड़े की मिट्टी की मूर्ति का मिलना, ये सब बताता है कि ये लोग घोड़े के बारे में जानते थे, ये लोग घोड़े के बारे में जानते थे, ये लोग बहुत ज्यादा यूज टू नहीं थे, बहुत ज्यादा घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। तो लेकिन यूपीएससी ने देखिए इसमें सी को माना था, उसने ये माना था कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। क्वेश्चन नंबर 21, काकतीय राज्य में, आजकल फिर देखो ये कंटिन्यू है ये क्वेश्चन इस तरह के, काकतीय राज्य में कौन सा जो है पोर्ट था, इसमें से कौन सा पोर्ट काकतीय राज्य में था, ये पूछा गया है। आजकल ऐसा क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है और ये एक ऐसा क्वेश्चन था, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको किसी ने मतलब बहुत कम लोगों ने इसको सही किया था, बहुत कम लोगों ने, कि काकतीय सुना है आप लोगों ने, रानी रुद्रमा जो पुरुष वेश में शासन करती थी, काकतीय राजवंश जिनका कैपिटल था द्वार समुद्र, ये तेलंगाना में थे। और द्वार समुद्र आप लोगों से अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से 2021 की प्रीलिम्स में पूछा गया है कि द्वार समुद्र कहाँ था, तो ये मोटुपल्ली था ये, ठीक है, ये इसमें आपका बी था। तो वो एक रेयर क्वेश्चन था। और ये देखिए ये फिर से आ गया है क्वेश्चन बुद्धिज्म पर, बुद्धिज्म पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और थोड़ा ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली ये क्वेश्चन टफ था। उसमें सीधा लिखा गया है कि भारत के धार्मिक इतिहास, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसमें आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो उस समय अगर हम लोग ये क्वेश्चन कब का बात 2018 का कर रहे हैं, 17 का कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय जो है ठीक है 2017 का ही है ये। तो अभी तो आप लोगों को ये याद होगा कि स्वतांत्रिक जो है, स्वतांत्रिक जैन मत का नहीं है, बुद्धिज्म का है, स्वतांत्रिक वैभाषिक जो हीनयान से निकला हुआ माना जाता है। तो इसलिए पहला गलत हो गया था और जो दूसरा है इसमें सही है। और सर्वस्तीवाद जो है उसका ये फिलॉसफी दिया गया था। आज भी बहुत ज्यादा जो इनके डिविजन्स हुए बुद्धिज्म के, जो बुद्धिज्म के डिविजन्स हुए उन पर बहुत ज्यादा लोग पढ़ाते नहीं है कि उनकी फिलॉसफी क्या है। एक तो आपको उपेंद्र सिंह की किताब के अलावा कहीं मिलेगा नहीं और दूसरा इतने उसके डिविजन्स हुए बुद्धिज्म के कि सबकी अलग अलग फिलॉसफी कोई नहीं पढ़ता,
हालांकि मैंने उपिंदर सिंह जब पढ़ाया है तो आप लोगों को मैंने थोड़ा 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 सब बताया है, ठीक है। बोधिसत्व, बोधिसत्व पदम पाणी, पदम पाणी पूछे गए थे कहां पर मिलता है हमें, ये हम पदम पाणी बोधिसत्व का बहुत उस समय बहुत सारे लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज हुए थे। पदम, पदम मतलब पदम, पदम कमल को कहते हैं, पाणी हाथ को, तो हाथ में कमल, तो अजंता का सबसे फेमस पेंटिंग है वो, है ना। तो ये पूछा गया था जो बोधिसत्व का। फिर 2018 में, 2018 में फिर डिलीजन पर पूछा गया स्थानकवासी, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। इसी के बाद से मतलब आपको बहुत ज्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म के डिवीजन पर क्वेश्चन आने लग गए थे 2017 से ही, और खूब ज्यादा जोर दिया गया आप लोगों को पढ़ाने पर कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के जो डिवीजन हुए, जो जैन धर्म के डिवीजन हुए, उन पर क्वेश्चन अब आ रहे हैं और आपको सारे डिवीजन पता होने चाहिए। तो ये जैन धर्म का था स्थानकवासी, स्थानकवासी, डेरावासी, मूर्ति पूजक, ये सब जो है डिवीजन थे, किसके सब डिवीजन। बुद्ध से पूछा गया भावी बुद्ध, भावी बुद्ध, फ्यूचर बुद्धा कौन है इसमें, फ्यूचर बुद्ध पूछे गए। तो बोधिसत्व के जो अलग अलग रूप हैं, बोधिसत्व के अलग अलग रूप, तो अब यहाँ पर अवलोकितेश्वर वही कहे जाते हैं, पद्म पाणी जो हैं, जो पद्म पाणी है वो अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक। मैत्रेय है ये आपके फ्यूचर बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा ही आपके मैत्रेय हैं। देखो फिर से 2018 में आप लोगों को पूछा गया है इंडस और वैदिक, इंडस और वैदिक दोनों लोगों को जो है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। ये रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से, ये रिपीट हुआ है 2018 का नहीं है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए बोधिसत्व, बोधिसत्व के बारे में पूछा गया, बोधिसत्व कौन है, क्वेश्चन बार बार बोधिसत्व पर आ रहा था भाई। पद्म पाणी एक बोधिसत्व है, मैत्रेय एक बोधिसत्व है, तो आपसे ये भी पूछ लिया गया कि बोधिसत्व है कौन, बोधिसत्व है कौन, किनको कहा गया बोधिसत्व। अभी पूरा क्वेश्चन ज्योति वर्मा करके जाइए, उपेंद्र सिंह की बुक में कंप्लीट करवा सकती हूँ, करवा सकती हूँ, लेकिन व्यूज इतने कम हैं कि फिर मेरी अंदर से मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बेसिकली उपेंद्र सिंह से ही है। तो यहाँ पर बोधिसत्व पहला ये महायान का है, तो पहला गलत है ना, बाकी ये करुणामय है और हेल्प करता है, तो इसमें आपका बी था, दूसरा तीसरा सही था, आप तो आप सब लोगों को याद है। फिर यहाँ पर आप लोगों को एक पूछा गया, एक पूछा गया अजंता और महाबलीपुरम के रूप में, दो ऐतिहासिक स्थान। अब देखिए दो अब ऐतिहासिक स्थानों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हिस्टोरिकल प्लेसेज आप लोगों को बार बार पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए अजंता और महाबलीपुरम के दो आपके हिस्टोरिकल प्लेस हैं, और उसमें आपको पूछा गया था कि इन दोनों के बारे में जो बातें इसमें कही गई हैं, उसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला गलत हो गया था, क्योंकि महाबलीपुरम जहां 7th century का है, वही आपका जो अजंता है, जो अजंता है इसमें हमें 1st century BC से लेकर हमें 1000 AD तक का के पेंटिंग मिलते हैं। तो पहला आपका क्या था, गलत था, क्योंकि दोनों एक समय काल में नहीं बने थे, ना ही दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से थे, जहां अजंता
जहां अजंता बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वहीं महाबलीपुरम हिंदुइज्म से, जहां सप्त पैगोडा है ना। तो इसमें बस तीसरा ही सही था कि दोनों ही रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, ये केव है और यहां पर महाबलीपुरम में पत्थरों को काट काट कर रथ टेम्पल्स बनाए गए हैं, तो इसलिए दोनों को रॉक कट माना गया है ना। अब 2019 पूछा गया था इसमें से कौन सा हरप्पन प्लेस नहीं है, तो अब तो आप लोगों को याद होगा हरप्पन प्लेस चनहुदड़ो जो पाकिस्तान में है, कोटदीजी पाकिस्तान में है, देसलपुर भी पाकिस्तान में है, गुजरात में नहीं है, पाकिस्तान में है देसलपुर भी। तो इसमें देखो सोहगौरा जो है मौर्यकालीन कहां पर है, तो ये यूपी में है ये सोहगौरा, तो ये देसलपुर इंडिया में ही है गुजरात में, ठीक है। मुझे एक बार कंफ्यूजन हुआ, एक बार गुजरात में ने बोला फिर मुझे कंफ्यूजन हुआ थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो सोहगौरा पर एक और क्वेश्चन बाद में पूछा गया था वही राहत बचाव कार्य पर, तो सोहगौरा से हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, ताम्र पत्र अभिलेख। और ये देखिए ये क्वेश्चन भी उपिंदर सिंह से था, ये क्वेश्चन उपिंदर सिंह के अलावा कहीं भी नहीं था, ये कंगन हली राणियों अशोक उपिंदर सिंह की बुक में ऐसा एक बना हुआ है, ऐसे ब्रैकेट वो अलग से देती हैं ऐसे, और उसी में अशोक की मूर्ति और राणियों अशोक की पूरी कहानी दी गई थी जो कर्नाटक के कंगन हली में है, और ये कहीं ना कहीं मौर्योत्तर काल का बना हुआ था ये। और यहां से मैं आप लोगों को लगातार उपिंदर सिंह से क्वेश्चन दिखा सकती हूँ, मुझे खुद इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे उपिंदर सिंह की वैल्यू पता चली, उपिंदर सिंह की बुक की, नहीं तो उस बुक को हाथ लगाने का मन नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जब ये देखा गया तो ऐसा लगा कि एग्जामिनर का निगाह उपिंदर सिंह पर पड़ चुका है। और जो 2019 में जो उपिंदर सिंह की बुक से ये जो क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद से आज तक ये दिन पर दिन ये संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। अब आपको अगर आपको ये कहें कि अब आप उपिंदर सिंह पढ़ो तो आप लोगों के साथ ऐसा लगता है कि अन्याय होगा, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उपिंदर सिंह की बुक इतनी बल्कि है कि जीएस के लिए क्या वो पढ़ना ठीक है, अभी तक ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या करें, आपको कहें या नहीं कहें कि उपिंदर सिंह पढ़ो, पर क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे हैं, इसका मतलब कि अब एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उपिंदर सिंह पढ़ें, नहीं तो फिर सही कैसे करोगे, फिर आंसर सही कैसे करोगे। तो ये कंगन हरी उस किताब के अलावा और कहीं पर भी नहीं था। अब इसमें पूछा गया है फिर से बुद्धिज्म पर एक तीन स्टेटमेंट, और आपको इसमें पूछा गया था कि महायान सेक्ट है बुद्धिज्म का, वो उसमें क्या क्या है, तो तीनों सही है। बुद्ध को देवता उन्होंने बनाया, बुद्ध की मूर्ति उन्होंने बनाई, बोधिसत्व उन्होंने कल्पना किया तो, और मूर्ति उपासना अनुष्ठान उन्होंने ही शुरू किया, तो ये सारा जो है इसमें डी हो गया था। ये देखिए विष्टि, ये जो विष्टि है बहुत सारे लोग इसको देख करके हिल गए थे, मुझे ये पता था भाई, आप कहोगे कि टीचर को तो पता ही रहेगा, लेकिन बहुत सारी बातें टीचर को भी पता, ये विष्टि सिर्फ गुप्त काल में नहीं था, ये मौर्यों के समय में भी था, ये विष्टि गुप्तों का अपना कुछ रेनोवेशन नहीं था, उनका अपना कोई ऐसा न्यू टैक्स नहीं था, ये मौर्य पीरियड में भी था विष्टि, लेकिन गुप्त काल लगा करके एग्जामिनर ने पूछ दिया था। तो ये विष्टि क्या था, तो ये ए वो था, ये काइंड ऑफ टैक्स था विष्टि क्या था,
विस्टिंग जो है 33 का सी नहीं होगा, ए है, ए 33 का ए राहुल, अभी भी कंफ्यूजन है। इट वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स, कैसे? तो जो 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 ये वो होते थे, जो कारीगर होते थे, जो कारीगर होते थे, ठीक है, वो कारीगर कारीगर जाकर राजा के लिए फ्री में काम करते थे, ठीक है, राजा के लिए जाकर फ्री में काम करते थे वो, और वो एक तरह से उनका टैक्स होता था, मतलब महीने का कुछ दिन निश्चित रहता था कि आप जाकर राजा के लिए काम। तो मान लो एक लोहार अगर लोहे का कोई औजार बनाएगा, नहीं सी नहीं होगा, बलात श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, नहीं। आप लोग कहां अभी तक कंफ्यूजन है आप लोगों को यूपीएससी का आंसर की? देखिए मुझे कोई डाउट ही नहीं है, विष्टि मौर्य पीरियड से चल रहा था, ये एक तरह से फोर्स लेबर होता था, लेकिन ये काइंड ऑफ मतलब ये एक तरह से जो है राज्य के लिए एक आय का स्रोत होता था। इसमें ऐसा था कि बलात् श्रम की तरह ही, बलात् श्रम मतलब कि या पुत्र को भेजना, साप्ताहिक मजदूरी करना, ये नहीं, ये एक तरह से राज्य का आय का स्रोत कैसे हुआ, राज्य की आय का स्रोत ऐसे हुआ कि भाई राज्य कोई काम कराएगा तो उसको मजदूरी देनी पड़ेगी, पर अगर ये काम कुछ लोग एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स कर रहे हैं आकर, तो राज्य का वो बचा ना पैसा, राज्य का पैसा वो बचा ना, तो इसलिए जो है इसमें ये ए था, ठीक है। विष्टि 2020 में आ गए हम, 2020 में, तो ये क्वेश्चन ने लोगों को हिला दिया था, नगर घंटाशाला कदूरा चौल, क्या था ये, घंटाशाला कदूरा चौल, नगर यानी सिटीज, पूछा गया था कि किस लिए विख्यात थे, नगर घंटाशाला कदूरा और चौल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ने लोगों को 2020 में थोड़ा झकझोरा कि ये क्या पूछ लिया गया, और ये 2020 शुरुआत थी, समझ लो दिन पर दिन ऐसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उसी फिक्स पैटर्न पर आप पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़कर कि आप पढ़ोगे वैदिक कल्चर पढ़ लिया, इंडस पढ़ लिया, मौर्य पढ़ लिया, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक केवल इनके बारे में पढ़ लिया, लेटर मौर्य पीरियड में कनिष्क पढ़ लिया, गुप्तों के बारे में पढ़ लिया, हर्ष के बारे में पढ़ लिया, और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, तो आप नहीं, अब आपको ये जो फेमस जो फैक्ट्स हैं उनसे हटकर आपको उस समय क्या चल रहा था सोसाइटी में, इकोनॉमी में, रिलीजन में, क्या चल रहा था, वहां उस पर फोकस करना है, और उस समय के सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पोर्ट्स, टैक्सेज, जो उस समय के मेजरमेंट यूनिट्स थे, वो इकोनॉमी में आपको इन पर ध्यान देना है, किस किस चीज का ट्रेड होता था, कहां कहां से ट्रेड होता था, उस समय भूमाप की इकाइयां क्या थी, कितने तरह के टैक्सेस थे, कितने तरह के क्राफ्ट थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेंटर्स, अब आपको ये सब याद करना है इकोनॉमी में। इसी तरह से रिलीजन में भी अब आप लोगों को सिर्फ बुद्ध, मतलब अब आप जितने भी इस समय आपने देखा 2014 से लेकर 2019 तक या 2020 में भी पूछा गया है, जो आपने देखा कि केवल उनके टीचिंग और डिवीजन पर पूछा जा रहा था, बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं और उनके जो अलग अलग सेक्ट बने थे, तो नहीं, अब आपको रिलीजन में जितने रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो उनके राइटर्स हैं, जो उसमें संत हुए, उन पर फोकस करना है,
क्योंकि खूब हो गया है बुद्ध की टीचिंग और महावीर की टीचिंग से। अब हिंदुइज्म से लेकर और बुद्धिज्म और जैनिज्म तक जो संत हुए हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, अब आपको उन पर फोकस करना है। तो ये पोर्ट्स थे, ठीक है, जहां से फॉरेन ट्रेड होता था। और ये जो है बहुत ही आसान, आप जैसे उपेंद्र सिंह की जब बुक पढ़ेंगे, उपेंद्र सिंह की बुक या पलासी से विभाजन तक की जो किताबें हैं इस तरह की, उन लोगों ने पूरी टर्मिनोलॉजी की ऐसे एक वो इंडेक्स दे रखी है। इन किताबों में आप देखोगे तो ऐसी इंडेक्स है अलग अलग, जैसे परिव्राजक, श्रमण, उपासक आपका, इसी तरह से जैसे आप लोग का उलगुलान वगैरह पूछा गया था, ये सारा जो है ये सब ऐसे इंडेक्स दिया हुआ है। ये दो किताबें उपेंद्र सिंह और शेखर बंदोपाध्याय की, मैं एक दिन वो सारी टर्मिनोलॉजी करा दूंगी आप लोगों को, उसी में से पूछा गया था ये परिव्राजक, श्रमण, उपासक। और बार बार उपेंद्र सिंह अपनी किताब में भी बोलती हैं परिव्राजक परिव्राजक। तो परिव्राजक वही थे जो मतलब घर छोड़ देते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है। और श्रमण ये वो ही लोग थे जो कि मतलब ये भी एक तरह से घूम घूम कर लोगों को प्रीचिंग करते थे, अपनी बातें कहते थे। और उपासक बौद्ध धर्म के जो गृहस्थी में रहते जो बुद्धिज्म को मानते थे वो उपासक और उपासिका कहे गए। तो दूसरा गलत हो गया और पहला और तीसरा इसमें सही था। और बहुत आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा था तो मुझे हंसी आ गई थी कि जिन्होंने उपेंद्र सिंह नहीं पढ़ा, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल उन्होंने ही अपनी किताब में ज्यादा किया था। और परामिता ये तो और कहीं था ही नहीं, उपेंद्र सिंह की बुक के अलावा कहीं था ही नहीं। नितिन सिंघानिया जी ने अपने बुक में बोधिसत्व बनने के स्टेप्स दिए थे और 10 धाराओं के बारे में उन्होंने लिखा था, जो उनका फर्स्ट एडिशन था उपेंद्र सिंह, उनका सेकंड एडिशन जो नितिन सिंघानिया का सेकंड एडिशन था, सेकंड एडिशन में उन्होंने बोधिसत्व बुद्धत्व के लिए 10 धाराएं होती हैं, 10 ग्राउंड होते हैं, उन्होंने लिखा था, लेकिन परामिता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था उसमें। तो ये परामिता जो वर्ड है, ये परामिता कहां से आया था? तो ये परामिता उपेंद्र सिंह में ही लिखा हुआ है कि बुद्धत्व बनने के लिए जो नितिन सिंघानिया जी ने सेकेंड एडिशन में जो कहा था कि 10 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उन एलिजिबिलिटीज को परामिता कहा गया था। और ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र सिंह की बुक में यूज किया गया था। उसके बाद तो फिर नेक्स्ट एडिशन में नितिन सिंघानिया जी की किताब में भी ये वर्ड आ गया था, ठीक है। तो ये क्या थी? तो ये परफेक्शंस एलिजिबिलिटीज जिससे आप बुद्धत्व मिलता था, जिससे उसके बाद लोग बोधिसत्व कहलाते थे, मतलब उसके 10 ग्राउंड्स होते थे, शुरू में 6 होती थी, बाद में ये 10 हो गई, ठीक है। तो इसमें सी एलिजिबिलिटीज थी कि आपको अपने पे कंट्रोल होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, आपको मतलब, तो ये सारा चीज। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी सब में ही दिया हुआ था, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब खुश करने वाला ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, है ना। तो ये अशोक क्लास 6 में भी ऐसे इंडेक्स बना कर दिया हुआ है, क्लास 12 में भी ऐसे इंडेक्स बना कर दिया हुआ है। तो ये अशोक से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आजकल थोड़ा संप्रदायों में वैमनस्यता बढ़ रही है। और ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब 2020 के ये 2 सबसे आसान सवाल, सबसे इजी। 37 का ए अशोक और 38, तो पढ़नी लिखा होता पुष्य मित्र सु, पढ़नी के बारे में आपकी एनसीईआरटी, ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से था और एनसीईआरटी क्लास 6।
क्लास सिक्स के एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38। तो आपकी क्लास सिक्स की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें पौंडिन्नी के बारे में ऐसे बॉक्स बनाकर दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है पौंडिन्नी को कब दिया गया है, 16 महाजन पद जब हुए थे। तो पौंडिन्नी 6th सेंचुरी BC के हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि पुष्यमित्र शुंग तो 1st सेंचुरी BC में हुए। पुष्यमित्र शुंग कब हुए, तो पुष्यमित्र शुंग हुए थे आपके 187 है ना इनका पीरियड पुष्यमित्र शुंग का, तो पुष्यमित्र शुंग को हम लोग कहेंगे 2nd सेंचुरी BC और पौंडिन्नी कब हुए थे 6th सेंचुरी BC। और ये जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा था, जिन्होंने इस बॉक्स पर ध्यान दिया था, उनको पता था कि 16 महाजन पद जब हुए थे तभी ये भी हुए थे। अमर सिंह नौरत्नों में से थे, किनके नौरत्नों में से, तो अमर सिंह चंद्रगुप्त मौर्य के नौरत्नों में से थे, तो ये भी गलत, ये भी रॉन्ग। तो सिर्फ इसमें कौन सा सही था, तो तीसरा जो आप लोग डी और बी कह रहे हैं आप लोग में, तो कौन सा हो जाएगा सी कालिदास। अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड थे और कालिदास भी, मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर था सी, ये दो क्वेश्चन आपकी क्लास सिक्स के एनसीईआरटी से पूछे गए थे और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने सबकी हवा उड़ा दी, हवा फुल हो गई थी सबकी, ये एक ऐसा क्वेश्चन था। और आपको बताए वो परामिता वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये जो है उपेंद्र सिंह के एक ही, मतलब एक चैप्टर के एक पेज से ये क्वेश्चन थे दोनों, एक चैप्टर के एक पेज से ये दोनों क्वेश्चन है, समझ लो। तो पहला गलत है अस्थाविरवादी, अस्थाविर थेरावाद, यही ज्ञान से रिलेटेड। बाकी लोकोत्तरवादी संप्रदाय, लोकोत्तर कौन कहेगा, लोकोत्तर लोकोत्तरवादी जो ब्राह था वो महासांघिक सेक्ट से ही था, मतलब ये लोग जो है बुद्ध की टीचिंग थोड़ी पारलौकिक है ना, पारलौकिक और लौकिक मतलब ये जैसे एक जो केवल मुक्ति की बात करता है, इस दुनिया के बारे में सोचता ही नहीं है, इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया के सुख के बारे में सोचता ही नहीं है, केवल कहता है कि आप इस दुनिया से मुक्ति की सोचो। पर महासंघिक ऐसे नहीं थे, महासंघिक ऐसे नहीं थे वो, भाई वो दुनिया के सुख के बारे में भी सोच रहे थे, ठीक है। और महासंघिकों के ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी कि बुद्ध को देवता बनाया उन्होंने, मतलब कहते हैं कि महायान धर्म कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के फिलोसफी से, महायानी इन्फ्लुएंस से। कुल्यवाप और द्रोड़वाप, ये भी 2020 का एक ऐसा क्वेश्चन था कि लोग बस देखते रह गए थे, मतलब अब 2020 से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2020 से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये कहां से। और ये भी उपेंद्र सिंह की बुक से, उपेंद्र सिंह की बुक में गुप्ता पीरियड में साफ साफ लिखा हुआ है कई सारे, ये अमर सिंह ने अपनी बुक अमर कोष में बहुत सारे लैंड मेजरमेंट यूनिट्स के नेम्स दिए हैं और टाइप ऑफ लैंड्स, भूमि के प्रकार और भूमाप की इकाइयां, टाइप ऑफ लैंड्स और लैंड मेजरमेंट यूनिट्स, टैक्सेस के बारे में अमर सिंह ने अपने अमर कोष में लिखा है, वही चीज उपेंद्र सिंह ने अपनी बुक में मेंशन किया है। तो ये लैंड मेजरमेंट यूनिट था और ये देखो ये उस समय किसी को भी पता नहीं था, जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री था, जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए उपेंद्र सिंह पढ़ी थी, जिन्होंने गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था पढ़ा था, उन्होंने ही इस आंसर को बस सही किया, जनरल स्टडीज वालों से ये आंसर सही नहीं हुआ था, ठीक है। और ये देखिए स्थान, ये बहुत आसान था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जिन्होंने
हिस्ट्री पढ़ते हुए जो ये फोकस रहते हैं प्लेसेस पर कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो ये प्लेस आ रहा है और ये प्लेस आज की डेट में कहां पर है, तो ये वो था कि पहले और अभी। तो भेलसा ये तो सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, काकतीय कहां पर थे, तेलंगाना में, तो इसलिए ये गलत हो गया। और गिरनार गिरिनगर को ही हम लोग गिरनार कहते हैं। गिरनार का जो राइट नेम है वो गिरिनगर है, गिरिनगर, तो ये आपका सही हो गया। और स्थानेश्वर मतलब थानेश्वर ज्यादा पॉपुलर है, तो बहुत सारे लोग स्थानेश्वर से कंफ्यूज हो गए, जबकि करेक्ट नेम है जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी उनका कैपिटल जो था वो स्थानेश्वर था, जिसको हम थानेश्वर कह देते हैं, तो वो हरियाणा, तो इसलिए ये भी गलत था। तो इसमें ए था आंसर, फर्स्ट और थर्ड। तो ये जिन्होंने इस पर थोड़ा ध्यान दिया था वही लोग इसको सही कर पाए थे। और आपको ध्यान देना है 2020 कोविड के टाइम पर पेपर हुआ था, कुछ क्वेश्चन पुराने पैटर्न पर और कुछ क्वेश्चन हेलीकॉप्टर क्वेश्चन डाल दिए गए थे। हम लोग अभी तक जो एनालिसिस कर रहे थे उसके मेन पॉइंट पर आए हैं, क्योंकि अब आपको 2023 देना है। तो 2020 के पेपर में क्या किया गया कि 2020 के पेपर में कुछ कॉमन पैटर्न रखा गया और कुछ क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट डाले गए, और अब 2021 से आपको कॉमन क्वेश्चंस मिल ही नहीं रहे। मतलब 2020 से ही ये शुरुआत जो हुई थी वो अब कॉन्टिन्यूड है, और आप देखना 2023 का पेपर भी ऐसा ही आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूं कि आप अब टिपिकली एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के नहीं चलेगा, सिर्फ आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लो, ऊपर रिलीजियस हिस्ट्री पढ़ लो, इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ लो तो नहीं चलेगा। अब आपको टर्मिनोलॉजीज और प्लस उस समय की बहुत ही ध्यान से आप लोगों को कल्चर से लेकर इकोनॉमी तक, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब सब कुछ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मेरा रोज 9 बजे होता है। तो मुरैना योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये पूछा गया था आप लोगों से, 64 योगिनी मंदिर, तो ये कच्छप घात राजवंश के टाइम पर बना, और जितने भी योगिनी मंदिर होते हैं वो सारे योगिनी मंदिर वृत्ताकार होते हैं, सभी योगिनी, सारे योगिनी मंदिर कैसे होते हैं, तो योगिनी मंदिरों को ऐसे ही बनाया गया, सर्कुलर, ठीक। तो ये एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, ये एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, क्योंकि सभी 64 योगिनी टेम्पल्स को गोल बनाया गया, और इस बार नितिन सिंघानिया जी ने अपने 4th एडिशन में सभी 64 योगिनी टेम्पल्स के बारे में दिया है, मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था, तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी जो है इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो ये जो है वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन, मतलब ये शाक्त इसमें ऑप्शन है कि नहीं, ये जो है पहला और चौथा, तो एक्चुअली क्या है इसमें आपका पहला और चौथा होगा सी, क्योंकि ये शाक्त यहां पर वैष्णव नहीं, ये शाक्त शैव और वैष्णव के साथ साथ एक और धर्म निकला ये गुप्त काल में, और उसको कहा गया शाक्त धर्म, जहां शक्ति की पूजा की जाती थी। तो ये भी गलत है, दूसरा तीसरा गलत है। तो सही कौन सा है कि संसद भवन जो लूटियंस और बेकर ने विजिट किया था इस मुरैना के टेंपल को, और उन्होंने यही से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। और जब आप मुरैना के टेंपल को, आपने अगर नितिन सिंघानिया का वो सेशन, जैसे रवि परमार हमेशा मेरे सेशन में होते हैं, तो आप लोगों को अभी नितिन सिंघानिया का जो मैंने सेशन कराया है टेम्पल्स, तो आप लोगों ने देखा ना
मुरैना के टेम्पल का पिक दिखाया था मैंने, एकदम देख के ही लगता है कि वो संसद भवन है। चारों तरफ गैलरी, सर्कुलर गैलरी और बीच में मेन टेम्पल है ना। तो इसमें सी है आंसर, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, तो देखिए मुरैना के बारे में बहुत ही डिटेल में, और ये तो बहुत इजी था, उसी उस साल का करेंट अफेयर था, तो अब तो इस क्वेश्चन में तो एक्सप्लेनेशन की नीड है नहीं आप लोगों को। उस साल का करेंट अफेयर था ये, राम की गढ़ी जिसको ले लिया था, सॉरी राम की गढ़ी नहीं, धौलावीरा जिसे यूनेस्को ने ले लिया था। और ये भी कुछ प्लेसेज आजकल खूब, मतलब प्लेसेज पर एकदम फोकस्ड हो जाइए, प्लेसेज, टर्मिनोलॉजीज, टैक्सेज, मतलब सब पर, प्लेसेज पर तो हर साल लिख रहे हैं। और ये बुर्ज होम, बुर्ज होम क्यों फेमस है, बुर्ज होम क्यों फेमस है, तो बुर्ज होम इसलिए फेमस है क्योंकि वहां से हमें पिट हाउसेस मिले हैं गर्तावास, तो यहाँ पर रॉक कट दिया है तो गलत। चंद्रकेतुगढ़ जो बंगाल में है, 24 परगना टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है, उपेंद्र सिंह की किताब में ऐसे बॉक्स बनाया गया है और चंद्रकेतुगढ़ के बारे में खूब डिटेल में लिखा गया है। ये मैंने पढ़ाया था 2020 के लिए, जब मैं पढ़ा रही थी 2021 के प्रीलिम्स के लिए, तब मैंने चंद्रकेतुगढ़ बताया था। तो चंद्रकेतुगढ़ सही है। और गणेश्वर, गणेश्वर ये जो है राजस्थान में है और ये एक कैल्कुलिथिक साइट है गणेश्वर, आहार कल्चर जो है, आहार संस्कृति का, तो ये सही था। ठीक है, तो इसमें दूसरा तीसरा सही था और पहला इसमें गलत था। और देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था मिताक्षरा कि आपको क्या करना है, मिताक्षरा जैसे क्वेश्चन पर अगर आपने अपना पूरा एनर्जी लगाया, एनालिसिस का मतलब केवल आपसे आंसर ही चाहिए मुझे, मैं तो ये मान के चल रही हूं कि PYQ सबको रटा हुआ रहता है, तो हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस के लिए पूरा फोकस हो जाना है, कैसे क्वेश्चन को हमें मान के चलना है कि हमसे छूटेगा। तो मिताक्षरा जैसे क्वेश्चन पर अगर आपने अपनी एनर्जी लगाई तो बाकी सब्जेक्ट धरे रह जाएंगे। तो ऐसा जो मिताक्षरा वाला जो क्वेश्चन 21 में पूछा गया है और दास मुक्ति वाला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है 22 में, आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए संतोष करना पड़ेगा क्योंकि बहुत फिर डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत डिटेल में। तो इसमें मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा में ऊंची जाति किसी भी विधि थी और दाएं भाग निम्न जाति की थी, दाएं भाग जीमुत वाहन ने लिखा है, जीमुत वाहन ने। ठीक है, तो यहां पर ये आपका इसमें सही उत्तर पूछा है ना, तो ये सही है। और इसमें जो है दूसरा जो है, पुत्र अपने पिता के जीवन काल की संपत्ति पर अधिकार का दावा करते हैं दाएं भाग में, दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही ये अमिताक्षर किसी परिवार के उस पे करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों के संबंधों के मामले। ऐसा में देखो मिताक्षरा जो है इसमें आप लोगों का, इसमें हो जाएगा आपका सी, पहला और तीसरा। ठीक है, यहाँ पर है। और ये जो है आप लोगों को मेरे पास एक बुक, मतलब ये आप उपेंद्र सिंह में भी मिलेगा, और ये किताब जो है मेरे पास एक बुक थी, अगर आप लोगों को पढ़ सकते हो तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते थे, बहुत ज्यादा, और यूजीसी नेट के लिए ही मैंने उस किताब को खरीदी थी। आप लोगों को अगर मोटी किताब नहीं पढ़नी है उपेंद्र सिंह की, और आप लोगों को एक मतलब फैक्चुअल तैयारी करनी है, तो नागेंद्र सिंह की एक बुक आती है किरण कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन है, किरण कंपटीशन टाइम्स, उसमें नागेंद्र सिंह की एक बुक आती है भारत का इतिहास, उसमें ये दिया हुआ था। इवन यहां तक कि फर्णम जो है ये आपका जो इस बार पूछा गया है 2022 में, इस टैक्स के बारे में भी वो लिखते हैं।
ठीक है, तो आप जो है ड्राई फॉरएवर, मैं तो ये जो सेशन है आपने टाइटल पढ़ा है एनालिसिस, एनालिसिस तो एनालिसिस का मतलब समझते हैं आप कि मुझे, मैं आपका टेस्ट नहीं, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ कि मैंने आपको एमसीक्यू दिखाया और फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई इसका आंसर क्या होगा और आपने आंसर दिया और फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गई। एनालिसिस का मतलब कि मुझे बताना है कि भाई ये क्वेश्चन का पैटर्न जो पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा और आप कैसे सॉल्व करोगे, समझे ड्राइव फॉरएवर जी। तो आपने अपना नाम बिल्कुल सही रखा है ड्राइव फॉरएवर, कि आप रुकना ही नहीं चाहते, न रुकना चाहते हैं, न रास्ते को देखना चाहते हैं, न रास्ते को आप समझना चाहते हैं, आप सिर्फ भागना चाहते हैं कि भागते रहो भागते रहो भागते रहो, ठीक है। तो फॉर्नम पॉइंट था, आपको इसलिए पता चल गया क्योंकि आपने यूपीएससी का आंसर भी देख लिया, बट फॉर्नम आया कहां से, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कैच करोगे आप। तो मैं आपको वो उपाय बता रही हूं कि उपेंद्र सिंह की किताब जहां इतनी मोटी है, इतनी मोटी तो है वो बुक, नागेंद्र सिंह किरण कंपटीशन टाइम्स की बुक है भारत का इतिहास, और ये सिर्फ फैक्ट्स कवर करता है बुलेट पॉइंट डालकर। अगर आप लोग उसको ले लो तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सही कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भवभूति हस्तिमल क्षमेश्वर, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सही करोगे आप। तो मैंने उपेंद्र सिंह की एक सेशन लिए हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो वहां पर आपको मिलेगा, या उपेंद्र सिंह की बुक से कर सकते हैं आप। और कहां पर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, और कहां पर, तो आप जब प्री मेडाइवल पीरियड पढ़ रहे होते हो तो प्री मेडाइवल पीरियड में जितने भी शासक थे उनके कोर्ट में बहुत सारे इस तरह के हिंदू और जैन राइटर्स रहते थे, तो उन राइटर्स का नाम, उनकी किताबों का नाम आपको मिलता है, तो वहां आपको फोकस रहना है। और ये नितिन सिंघानिया जी भी अपनी बुक में करते हैं। तो जो क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है ड्राइव फॉरएवर जी, तो वो तो बताना पड़ेगा ना, वो तो कहना पड़ेगा। आपको उपेंद्र सिंह के नाम से कुछ एलर्जी है क्या? अगर एलर्जी है तो कृपया आप जाएं, ऐसा एक उपेंद्र सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है और उपेंद्र सिंह की किताब बेचकर मुझे कोई पर्सनल आमदनी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप बाकी लोग समझ रहे हैं ना कि उपेंद्र इनको ड्राइव फॉरएवर जी को एक दिक्कत है कि मैं बार बार एक ही किताब का नाम ले रही हूं, तो मैं भाई बार बार एक किताब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए मैं नाम ले रही हूं, लेकिन उस किताब को बिकेगा ज्यादा और वो उपेंद्र सिंह मुझे उसका भेजेंगी कुछ शेयर, ऐसा नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। ऐसा कुछ ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं है, ये एनालिसिस है, और एनालिसिस में यही बताना है आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आगे क्वेश्चन आप पकड़ पाओगे, ठीक है। तो साहब अगर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है तो आप जा सकते हैं, और मैं क्या कहूँ आपको। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको दो सोर्स बताया कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए, और दूसरा ये कि प्री मेडाइवल पढ़ते हुए ये उन रूलर्स, जितने राजपूत रूलर्स हुए उन सब के कोर्ट में ये रहा करते थे, तब इनका नाम आता है, ठीक है। तो ये कौन थे, तो ये सारे के सारे प्ले राइटर्स थे, और ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, इसमें आपको बताना था सही कौन सा है और पहला ही सही था भाई। जब आपको एक ही सही छाटना है, जब आपको एक ही सही छाटना है और आपको पहला ही स्टेटमेंट सही मिल गया कि अजंता की गुफाएं बागोरा नदी के घाटी में स्थित है, बाघ की गुफाएं बाघिनी नदी,
और अजंता की गुफाएं, बघोरा नदी। ठीक, तो ये और ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, ये आप लोगों को 2020 में भी पूछा गया था। तो 2020 में जो पूछा गया था वो प्री मेडाइवल पीरियड से था, मतलब प्री मेडाइवल मतलब कि थोड़ा सा उसमें ये गुप्तोत्तर काल है और वो पूछा गया था आप लोगों से हर्षवर्धन के बाद, लेकिन ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ट्रेंड आप लोगों का 2020 से चल रहा है, 2020 से ये ट्रेंड शुरू हुआ था। और एग्जैक्टली मैंने तो मैप पर मैंने फोटो की कटिंग भी दिखाई थी राहुल, इसमें पुराने सबसे पुराने स्टूडेंट है समझ रहे होंगे, तो मैंने अपने स्क्रीन अपने सेशन से स्क्रीन कट करके उसको क्या कहते हैं पिक लेकर दिखाया था मैप, एक जो मैप दिखाया था गुप्तोत्तर काल का उसी से। तो गुप्तोत्तर काल में लेटर गुप्ता पीरियड में अलग अलग एरिया में कौन रूल कर रहे थे, ये क्वेश्चन था। और उस क्वेश्चन को देख के ही मैंने ये बताया था कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो टीचर का बोलने का मतलब यही है कि भाई आप समझिए, आप समझिए। तो मगध में उस समय परवर्ती गुप्त थे, पर अभी मालवा में परमार नहीं आए थे, ये हर्ष के बाद आएंगे। ठीक है, और पुष्यभूति वंश जहां हर्षवर्धन आ गया था थानेश्वर में, जिसको स्थानेश्वर जिसका डायरेक्ट नाम है, कन्नौज में मोखरी थे, देवगिरी के यादव अभी नहीं आए थे। ठीक है, तो अवल्लभी में मैत्र थे। तो ये इसमें जो है आपका पहला तीसरा और छठा है ऑप्शन, पहला तीसरा चौथा और छठा बी था। ठीक है, बड़ा वैसा है। अब आ गए हम लोग 2022 पर, 2022 ये मैंने कराया था और मैं यहां क्रेडिट नहीं ले रही हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि आप सही टाइम पर ध्यान नहीं देते हो। ये जो है जब जब बुद्धि जब मैं कराती थी और डिवीजन जब पढ़ाती थी तब भी बताती थी और जब भी सोर्स पढ़ाया तब भी बताया। ठीक है, और तो ये आप लोगों को पूछा गया था कि ये ऐतिहासिक जो व्यक्ति हैं किस रूप में जाने गए, तो आर्यदेव बौद्ध बौद्ध स्कॉलर थे, दिग्नाग भी बौद्ध स्कॉलर थे और नाथ मुनि वैष्णव थे। तो पहला इसमें गलत हो गया क्योंकि आर्यदेव के आगे जैन दे दिया है। बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ था, बहुत सारे लोगों का। तो इसमें सिर्फ दो, 2022 से एक स्टाइल चेंज हुआ है, उसमें ये ऑप्शन नहीं था कि दूसरा और तीसरा सही है। अब इसमें है कि भाई इसमें कितने हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्ट, तो इसमें ये जो है आपके दो करेक्ट थे, है ना, दो। तो ये क्वेश्चन भी कई लोगों का गलत हुआ था। 2022 का प्रीलिम्स बहुत सारे लोगों का नहीं निकला, बहुत सारे लोगों का, मेरे बहुत सारे नॉन स्टूडेंट हैं जिनका 2022 का प्रीलिम्स नहीं निकला है, और इसीलिए नहीं निकला है क्योंकि उन्होंने इतना माइन्यूटली पढ़ा ही नहीं है, ना ही वो पढ़ने को तैयार थे। तो जैसे कि आप लोगों का मिताक्षरा और दायभाग पूछा हुआ था, वैसे ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूछा गया है दास मुक्ति पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से ये तीन स्टेटमेंट मतलब एक टॉपिक निकाला गया, दास मुक्ति, स्लेव स्लेव जो होते थे उनके फ्रीडम के लिए, और उसी पर एक तीन स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो मेरा यही सजेशन कि ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन पर काम ही मत करो। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी एंसेंट हिस्ट्री पर देनी पड़ेगी। टीचर ने बता दिया तो ठीक है, ठीक है। तो यहां पर वही था कि दास कौन हो सकता था और कैसे उनको दासता से मुक्ति उनको मिल सकती थी। तो ऐसा है कि मतलब इसमें
जो हम लोग अगर बात करें तो कुछ कॉमन सेंस लगाकर सही किया जा सकता था। जैसे कई बार ऐसा पनिशमेंट भी दिया जाता था, आपने महाभारत भी देखा है तो पांडवों को दास बना दिया गया था, है ना। पांडवों को कहा गया कि तुम दास के रूप में सेवा करोगे, तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई दास हो सकता था। और जो विमेन दासी होती थी, जो विमेन स्लेव होती थी, तो कई बार जो ऐसा होता था कि अगर मालिक जनरली यूज कर लेते थे, ओनर्स यूज कर लेते थे, तो अब अगर उससे उनको मतलब बच्चा हुआ, अगर उससे उसको बच्चा हुआ तो ऐसा हो सकता था कि उसको मतलब फ्रीडम, दासता से मुक्ति मिल जाए, ऐसा हो सकता था। बट उनको कभी भी कानूनी हक नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो वही है ना कि उस विमेन स्लैब से अगर स्लैब को बच्चा हो जाता है मालिक से, तो उसको अपना मालिकान, उसको मतलब सेम वैसे ही प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा जैसे कि उसके लीगल चाइल्ड को मिलेगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी। नारायण दत्त तिवारी के जो बेटे थे, नाम याद नहीं आ रहा है उनकी, आप लोगों ने वो केस देखा था ना, उनको डीएनए टेस्ट वगैरह करके प्रूफ करना पड़ा कि मैं आपका बच्चा हूं। आज भी जो लीगल हेयर नहीं है उसको कानूनी हक नहीं मिलता प्रॉपर्टी में। जो प्रॉपर्टी में आपको तब राइट मिलता है जब आप उसके जो है वैधिक संतान है, लीगल, ठीक है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन टफ था। और ये बहुत आसान, ये हर बुक में आपको मिलता है। तो ये अशोक के सारे अभिलेख, ये सारे अशोक के अभिलेख थे, कहां कहां से मिले हैं, है ना। नारायण दत्त तिवारी, उनके बेटे का नाम मैं कह रही हूँ, राहुल नहीं याद आ रहा है मुझे, जो अभी ये लोग लखनऊ में रहते हैं। बहुत हाईलाइट हुआ था ये केस। तो देखिए, ये तो आप लोगों को याद होगा, धौली ओडिशा में है, धौली जोगड़ ओडिशा में, एरगुंटी आंध्र प्रदेश में। तो जोगड़ तो गलत हो गया आपका, कलसी है आपका देहरादून में। तो इसमें सिर्फ दो इसमें करेक्ट था। और ये देखिए संगम साहित्य से पूछा गया था कौन सा एक सही है। तो देखिए, उनके सभी तरह के कल्चर के बारे में हमें उनसे पता चलता है, सभी तरह के कल्चर के बारे में हमें पता चलता है। संगम टेक्स्ट, संगम पीरियड के बारे में हर चीज बताते हैं, तो हम लोगों को वहां से मेटीरियल कल्चर भी पता चलता है। मेटीरियल कल्चर मतलब किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो ये गलत हो गया आपका। वर्णा सिस्टम के बारे में, सोशल डिवीजन के बारे में उनको पता था, तो दूसरा हमें सही मिल गया। बाकी देखो, शौर्य आपका पता ही, अहम और पूरम ये इन्हीं पर तो सारा संगम लिटरेचर है, तो शौर्य के बारे में कैसे नहीं पता होगा। तो अहम और पूरम, ठीक। और जादुई ताकतों का संगत बताया गया, जादुई ताकतों की बात की गई है, तो केवल बी। ये देखो, ये भी आपके सोर्स से है। जब भी आप किसी बुक से, इवन आर्य शर्मा, जब भी आप किसी एंशियंट हिस्ट्री की बुक का सोर्स पढ़ते हो, प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, तो उस चैप्टर में उस समय की लिखी हुई बहुत सारी किताबों का जिक्र रहता है, क्योंकि इन्हीं सभी किताबों में उस समय के बारे में जो लिखा गया होता है उनसे हम लोगों को पता चलता है। तो जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी पढ़ते हैं, हिंदुइज्म पे भी पढ़ते हैं, जैनिज्म भी पढ़ते हैं, ब्राह्मीन नॉन ब्राह्मीन सब तरह का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जैसे नेति प्रकरण, ये क्या पूछा था इसमें कि कौन से जैन ग्रंथ है, जैन टेक्स्ट पूछा हुआ था। नेति प्रकरण देखो, बुद्ध की जीवनी है, जैसे अशोक घोष ने बुद्ध चरित लिखा है वैसे ही। तो ये बुद्धिज्म पर हो गया, परिशिष्ट पर्वन ये आपका जैनिस टेक्स्ट हो गया, और अवदान शतक, अवदान के
के नाम से जितने भी आपको मिलेंगे आपको सब बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं, तो इसलिए गलत होते गया। और त्रिशष्टी लक्षण ये एकदम मैंने अपने सेशन में दिखाया था, मैंने पढ़ा रखा था, ये इवन यूट्यूब पर पढ़ाया था इसको। और ये सारा मतलब आपका 2021 के प्रीलिम्स का ब्राइट फॉरएवर जी अगेन सोर्स उपेंद्र सिंह की किताब में जो सोर्स दिया हुआ है, प्राचीन इतिहास के जो सोर्स उनका जो फर्स्ट चैप्टर है वहीं से दो क्वेश्चन, वो जो संत है उनके बारे में भी, इन किताबों के बारे में भी, सिर्फ उनके एक ही बुक सोर्स में दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया। अभी देखिए 11 बजने वाला है और मेरी ना 11 AM पर एक मीटिंग है, मुझे लग रहा था कि ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। तो देखिए मैं फटाफट क्वेश्चन आप लोगों को मेंस का दिखा देती हूँ। देखिए मेंस में आपका एंशियंट हिस्ट्री से कल्चर पार्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कल्चर पार्ट से, कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं। तो देखिए मैंने 2014 से मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसी टाइम पर आपके मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था, इसके पहले आपके मेंस का सिलेबस अलग था, तो 2011 से लेने का कोई मतलब नहीं था। तो देखिए कल्चर पार्ट में भी जैसे टाउन प्लानिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर पार्ट है, गांधार, मूर्ति कला और तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, ये 2014 में 3 क्वेश्चन। 2015 में पूछा गया था कि हमारा जो एंशियंट कल्चर है यानी इंडस कल्चर, वैदिक कल्चर, वो अभी तक हमारे बीच मौजूद है, तो उनके क्यों मौजूद है, उनकी क्या फीचर्स हैं ये, और रॉक कट आर्किटेक्चर। 2015 में मध्य पाषाण शिला कला, मतलब आपका जो है मेजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया था। ये रॉक कट आर्किटेक्चर, ये तो मतलब मेजोलिथिक पूछ लिया गया है, बट रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में फिर आप लोग का 2020 के भी उसमें पूछा गया। ठीक, अभी दिखाई नहीं मैं आप लोगों को। 2016 में फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पूछा गया है, बौद्ध स्तूप कला, ये भी आपका कल्चर पार्ट है। 2017 में पूछा गया है गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला यानी न्यूमिस्मैटिक आर्ट, सिक्का शास्त्र को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, तो न्यूमिस्मैटिक आर्ट पूछा गया है। और 2017 से अब एक ही क्वेश्चन है, 2014 में जहां 3 क्वेश्चन था, जहां 2015 में 2, 2014 में 3, 2015 में 2 और 2016 से 1 क्वेश्चन, अब सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्तूप कला, ये न्यूमिस्मैटिक आर्ट सिक्का शास्त्रीय कला, और 2018 में देखिए पूछा गया है आपकी चाइनीज और जो अरबी, तो चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स जो यहाँ पर आए उनके मतलब आपका जो चाइनीज ट्रैवलर्स में से आपको पता ही ये सब मेगास्त्री तो ग्रीक था, विनसांग फायान इत्सिंग, इन सब के बारे में आपको, जो अरब ट्रैवलर्स सुलेमान अल मसूदी, ठीक है, सुलेमान सबसे पहले अलबरूनी, फिर सुलेमान अल मसूदी, बहुत सारे ऐसे राइटर्स आए हैं जिनके बारे में जिनका हम प्राइवेट आईडी हम लोग को मिलता है। 2019 अगेन गांधार कला, 2014 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019 में, 2020 में 2015 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रॉक कट आर्किटेक्चर पूछा गया है, वो मेजोलिथिक था इसमें रॉक कट आर्किटेक्चर, और फिर बौद्ध की धर्म में पालों का क्या रोल रहा, 2 क्वेश्चन 2020 में। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एंशियंट हिस्ट्री से, सीधा भक्ति आंदोलन पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप लोग का होमवर्क ये है कि आज की क्लास से पर सोचो अपना क्या करो, सेक्शन यहां सेक्शन बनाओ और सेक्शन को नोट करो, सेक्शन बनाकर नोट करो कि हमको क्या 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 हमको जो है किस एरिया पर फोकस करना है। ठीक, तो जाने से पहले ये 5th से लॉन्च हो रहा है, इस पर सीधे सोचिए, जो पैटर्न मैंने बताया इस पैटर्न पर ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, मेंस भी क्वालिफाई हो। Y561 यूज करेंगे, 78% का डिस्काउंट मिलेगा आपको।
कोर्स आपको ये दिखेगा कुछ 40,000 के आसपास, उस पर 78% का डिस्काउंट मिलेगा Y561 पर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत कम व्यूज है, पता नहीं, सीरियस स्टूडेंट कम होते हैं मुझे पता है, सीरियस स्टूडेंट की संख्या वैसे कम ही होती है, लेकिन कई बार सीरियस स्टूडेंट भी सही टाइम पर सीरियस क्लास को नहीं समझ पाते, तो सही टाइम पर सही चीज को समझिए ताकि आप अपने